हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल इजी स्विंग ट्यूटोरियल्स। आज मैं शेयर कर रही हूँ लॉन्ग श्रग की कटिंग और स्टिचिंग, और उसके लिए मैंने लिया है ये कलमकारी फैब्रिक, और ये है 2.5 मीटर फैब्रिक। तो चलिए शुरू करते हैं। इस फैब्रिक के एक साइड पर ये बॉर्डर है, तो पहले मैं इसे अलग कर दूंगी। 1/2 इंच का सीम अलाउंस छोड़ रही हूँ मैं यहाँ पे, और मैं यहाँ से इसे कट कर दूंगी। तो मैंने ये बॉर्डर कट कर दिया है और फैब्रिक को मैंने फोल्ड कर दिया है लेंथ वाइज, और अब मैं इसे विड्थ में फोल्ड करूंगी। और इसकी चौड़ाई ली है मैंने घेरे के हिसाब से, जो है हिप मेजरमेंट से 2 से 3 इंच ज़्यादा। मेरे मेजरमेंट में घेरा है 26 इंच, उसका हाफ होगा 13 इंच, और मैं 1 इंच ऐड करूंगी सीम अलाउंस के लिए। तो 13 + 1 होगा 14 इंच, तो मैंने ये फोल्ड लिया है 14 इंच का। अब सबसे पहले मैं ऊपर ये स्ट्रेट लाइन लगा रही हूँ, ताकि ऊपर से जो ये अनइवन फैब्रिक है इसे कट कर दें। अब मैं लेंथ मार्क करूँगी, जो है 44 इंच, और 1 इंच मैं ऐड कर रही हूँ सीम अलाउंस के लिए। तो मैं निशान लगाऊंगी 45 इंच पर, और मैं इसकी कटिंग करूँगी। तो मैंने ये फैब्रिक को ऊपर से और साइड से कट कर दिया है। अब मैं मेजरमेंट्स मार्क करूँगी। शोल्डर के लिए हम लेंगे शोल्डर विड्थ का आधा। मेरे मेजरमेंट में शोल्डर विड्थ है 13.5 इंच, तो उसका आधा होगा 7.5 इंच। यहाँ से मैं 1/2 इंच नीचे निशान लगाऊंगी शोल्डर स्लोप के लिए, और सेंटर से हम मार्क करेंगे नेक विड्थ, जो है 2.5 इंच मेरे मेजरमेंट में, और इन पॉइंट्स को जोड़ देंगे। अब यहाँ से आर्म होल के लिए निशान लगाएंगे, और वो हम लेंगे आर्म होल राउंड का आधा। मेरे मेजरमेंट में आर्म होल राउंड है 14 इंच, तो उसका आधा होगा 7 इंच। इन पॉइंट्स को भी जोड़ देंगे, और यहां से 1/4 इंच अंदर निशान लगाएंगे, और इन पॉइंट्स को भी जोड़ देंगे। अब सबसे ऊपर से एपेक्स पॉइंट पर निशान लगाएंगे, जो है 10.5 इंच मेरे मेजरमेंट में, और शोल्डर से कमर तक का निशान लगाएंगे, जो है 14 इंच, और शोल्डर से ही हिप तक का निशान लगाएंगे, जो है 21 इंच मेरे मेजरमेंट में। और अब मैं इनके मेजरमेंट्स मार्क करूंगी। चेस्ट के लिए मैं ऐड कर रही हूँ 3 इंच की इस, तो मेरे मेजरमेंट में चेस्ट है 32 इंच, 32 + 3 होगा 35 इंच, और उसे 4 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 9.25 इंच। बर्स्ट के लिए भी मैं 3 इंच की ईज ऐड कर रही हूँ, तो मेरे मेजरमेंट में बर्स्ट है 34 इंच, 34 + 3 होगा 37, और 4 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 9.25 इंच। अब वेस्ट के लिए मैं ऐड कर रही हूँ 4 इंच की ईज। मेरे मेजरमेंट में वेस्ट है 27 इंच, 27 + 4 होगा 31, और 4 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 7.5 इंच। हिप के लिए भी मैं 4 इंच की ईज ऐड करूंगी, तो मेरे मेजरमेंट में हिप राउंड है 37 इंच, 37 + 4 होगा 41 इंच, और 4 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 10.25 इंच। तो मैं अब इन पॉइंट्स को जोड़ दूंगी। और मैं ऐड कर रही हूँ 1.5 इंच का सीम अलाउंस, और अब मैं यहाँ पे आर्म होल कर्व ड्रॉ करूंगी। अब हम निशान लगाएंगे घेरे के लिए, जो है 13 इंच मेरे मेजरमेंट में, और इसे हिप पॉइंट से जोड़ देंगे। अब इस पॉइंट से 0.5 इंच ऊपर की तरफ, 0.75 इंच ऊपर निशान लगाएंगे, और इसे इस लाइन से जोड़ देंगे। तो ये मार्किंग कंप्लीट है, अब मैं इसकी कटिंग कर लूंगी। तो ये थी श्रग की बैक, अब फ्रंट की कटिंग करेंगे। अब फ्रंट की कटिंग के लिए मैंने कपड़े को फोल्ड किया है, और बैक को मैं रख दूंगी इसके ऊपर। मैंने यहाँ पे 0.75 इंच का सीम अलाउंस छोड़ा है, क्योंकि ये फ्रंट ओपन है,
और अब बस मैं इस पैटर्न को ट्रेस करके इसकी कटिंग करूंगी। अब मैं इसे सेंटर से भी कट कर दूंगी। तो श्रग की कटिंग कंप्लीट है। मैंने इस नेक लाइन की कटिंग करी है 5.5 इंच बैक के लिए और 7.5 इंच फ्रंट के लिए। स्टिचिंग के लिए सबसे पहले मैं शोल्डर स्लोप पे सिलाई लगाऊंगी। तो ये मैंने दोनों शोल्डर स्लोप पे सिलाई लगा दी है और इसे ओवरलॉक भी कर दिया है। तो अब मैं आर्म होल्स की फिनिशिंग करूंगी, क्योंकि ये स्लीवलेस श्रग है और इसको फिनिश करने के लिए मैं यूज कर रही हूँ बायस स्ट्रिप। मैंने दोनों साइड फिटिंग सीम स्टिच कर दिए और अब मैं फ्रंट में बॉर्डर अटैच करूंगी इस तरह से। तो बॉर्डर अटैच करने के लिए बॉर्डर को श्रग की लेंथ से 1 इंच ज़्यादा कट करेंगे और जो हमने ज़्यादा कट किया है उसको हम ऊपर गले की तरफ रखेंगे। इसे हम बाद में कट कर देंगे जो एक्स्ट्रा होगा गले की शेप में। और इस बॉर्डर को अटैच करने से पहले मैंने जो इसका सीम अलाउंस है इसको फोल्ड करके प्रेस कर लिया है दोनों साइड से। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, जब आप बॉर्डर लगा रहे हैं तो आप उसमें डायरेक्शन ज़रूर देखिए, दोनों तरफ डायरेक्शन सेम होनी चाहिए। अब हम यहाँ पर स्टिच लगाएंगे। आप पिन से भी अटैच कर सकते हैं स्टिच करने से पहले। तो मैंने इस बॉर्डर को अटैच कर दिया है और उसके ऊपर ये टॉप स्टिच करी है। अब इसे दूसरी साइड से जोड़ेंगे। तो ये मैंने स्टिच कर दिया है और जो ये एक्स्ट्रा फैब्रिक है अब इसकी कटिंग कर देंगे नेकलाइन की शेप में। और अब मैं नेकलाइन की फिनिशिंग करूंगी, जिसके लिए मैं फिर से बायस स्ट्रिप यूज कर रही हूँ। तो ये मेरी नेकलाइन फिनिश है और अब मैं इसके घेरे पे सिलाई लगाऊंगी। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मेरी श्रग कंप्लीट है। थैंक यू मेरा वीडियो देखने के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और भी अच्छे वीडियोस देखने के लिए।
और मैं फिर मिलती हूँ आपसे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।